हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका डिजल तैयारी चैनल पे मैं श्रेयांस कोठारी लेके आया हूं दोस्तों स्पेशली आप लोगों के लिए एस पी बख्शी की किताब ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश दोस्तों बहुत ही प्यारी किताब बहुत ही लगातार हम लोग करते जा रहे हैं दोस्तों सीधा लिए चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह पे ये है नाइन नंबर चैप्टर नाउन और उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर ग्यारह आज शुरू करेंगे वैसे ये सारी बातें आप लोग टाइटल में देख चुके होते हैं बट फिर भी एज ड्यूटी मैं इसे पूरी करता हूँ और बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में भैया हम अभी खड़े कहाँ हैं चलिए मैं लिए चलता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर ग्यारह पे ऑल द एविडेंसिस बस यही काम खत्म हो गया नाउन वाले जो एरर्स है ना दोस्तों बहुत ही ईजीली हमें मिल जाते हैं बिकॉज आपका अगर थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग है आपको पता है कि इसमें नाउन की एरर है तो बहुत आराम से आप क्योंकि आपका ध्यान ही कैच वहीं पे जाएगा जहां ये है मैंने पिछले वीडियो के अंत में जरूर कहा था अगर आपने नहीं देखा पीछे वाला पार्ट छोड़ दिया है उसको जरूर सुनिएगा उसमें मैंने बहुत स्ट्रांगली एक बात कही है

मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि भैया इस ऑल का क्या है देखिए दोस्तों ऑल की कहानी बता दूं कि ऑल का दोनों मतलब होता है सारे और सारा ये दो मीनिंग में आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए ये हमेशा प्लूरल के लिए आएगा प्लूरल का मेरा मतलब है काउंटेबल के लिए आएगा और ये हमेशा अनकाउंटेबल के लिए आएगा ऐसे समझें ऑल द फर्नीचर अब भैया फर्नीचर खुद ही अपने आप में उंसेबल है ऑल का मतलब यहां पे सारा होल कंप्लीट एंटायर यहां सारा का मतलब है complete, entire, entire यानी whole, यानी संपूर्ण पूरा not सारे स्टूडेंट्स ये आता है countable के केस में ये आता है प्लूरल के केस में तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहां ऑल द एविडेंस का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा एविडेंस यहां पे सबूत है और सबूत पूरा सबूत सारा सबूत कंप्लीट जो सबूत है वो रिजेक्ट कर दिया गया कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा सीधा लिए चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आराम से अब बने रहिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को देखते हैं कमांडर इन चीफ दोस्तों एक चीज हमेशा बता दूं कि कमांडर इन चीफ का अगर मुझे प्लूरल करना होता तो मैं यहां कमांडर्स लगाता कमांडर इन चीफ का अगर मुझे प्लूरल बहुवचन करना होता मैं कमांडर्स लगाता लेकिन यहां हमें क्या करना है पजेशन पजेशन का मतलब होता है अधिकार में यानी आपको का दिखाना है कमांडर इन चीफ के ऑर्डर्स बात को समझिएगा इस ऑर्डर्स में कोई एरर नहीं है वो जो पास होंगे वो ऑर्डर्स होंगे वो प्लूरल ही होंगे लिखित में है वो लेकिन यहां आएगा कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स मतलब उसके जो ऑर्डर्स हैं अराइवड लेट लेट आए एंड टू रिट्रीट उनको रिट्रीट करना पड़ा तो आपको यह समझना है दोस्तों इस तरह के जितने भी सारे शब्द हैं भले वो मदर इन लो फादर इन लो वाले टाइप के हों या कमांडर इन चीफ के होंट वाले वर्ड पे ही आप apostrophe S लगाएंगे। बहुत क्लियर होना चाहिए आपको आपका फंडा चलते हैं दोस्तों सीधा क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे हैव यू डिपोजिटेड क्या तुमने डिपोजिट कर दिया the proceed, अरे proceed नहीं मेरे भाई प्रोसीड इन द बैंक और नॉट प्रोसीज जो उसका पूरा प्रक्रिया है वो क्या तुमने वहां पे डिपॉजिट कर दिया है वो जो पैसा वहां भरना था वो सारा कुछ जो प्रक्रिया है उसे proceeds कहते हैं। तो एक देखिए प्रोसीड एक वर्ब है और प्रोसीड्स एक नाउन रहेगा ध्यान रखिएगा। द प्रोसीड्स नाउन है एस लगेगा सीधा लिए चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखेगा बहुत ही ध्यान से देखेगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो शब्द है सिजर पहली बात तो ये वर्ड ही गलत है यहां पे सिजर्स होगा ये हमेशा ध्यान रखें ऑलवेज आपके हाथ में एक कैंची हो या दोनों हाथ में दो दो कैंची हो ड मैटर वो सिजर्स ही है चाहे एक हो या 18 सिजर्स इज द राइट वर्ड हमेशा ध्यान रखें ये जो एस है ये जन्म से उसके साथ जुड़ा हुआ है जब से इस वर्ड का जन्म हुआ है ये एस उसके साथ है यानी सिजर्स का एस तो हमेशा ही साथ में रहेगा अब बात करते हैं कि इसको कैसे प्रयोग करना हो एक हो या अठारह हो सिजर्स के बाद वाला जो वर्ब है ना वो प्लूरल ही रहेगा आर रह सकता है, है, रह सकता हैज नहीं आएगा इज नहीं आएगा वॉज नहीं आएगा ये बातें ध्यान रखनी क्यों क्योंकि ये प्लूरल है जन्म से प्लूरल है भैया दो पैर वाली है कैंची आर एक हो या चाहे अट्ठारह कोई फर्क नहीं पड़ता यह बात क्लियर हो गई मैं बार बार क्यों बोलता हूं आप कहेंगे सर ये तो बार बार आप रिपीट करो बस जितनी बार मैं रिपीट करूंगा उतनी बार आपके दिमाग में पंच करेगा जितनी बार पंच करेगा वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम में या सेंटेंस में यूजेज कैसे होना चाहिए पहला मैंने बता दिया इसके बाद हैव या हैज ही आएगा दूसरी बात आपको क्लियरली मेंशन करना है कि एक ही है सिंगुलर है तो क्या करोगे बहुत सही तरीका है अ पेयर ऑफ सिजर्स कर दोगे जैसे ही अ पेयर ऑफ सिजर्स कर दोगे ये वाले वाज गलत हो जाएंगे और ये वाले सही हो जाएंगे क्योंकि आपने सिजर्स की एक जोड़ी हमारा सब्जेक्ट अ पेयर हो गया पेयर होते ही वाज हैज इज राइट हो जाएंगे आर हैव या वर रॉन्ग हो जाएंगे तो उसी बात को समझने का है आपको क्या हो गया कहां गए हम ये लीजिए हम यहां कह रहे थे यू कैन बाय द दिजर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है परफेक्ट है बॉस परफेक्टर्स में तो ऐसा आता ही है दैट इज शार्प की जगह दैट आर शार्प या फिर बाय द पेयर ऑफ सिजर्स दैट इज शार्प आपकी जो इच्छा कर लो या तो आ इसका आर कर दो प्लूरल करने के लिए आपको नहीं साहब मेरे को तो इज ही रखना है आप इज रखो मुझे कोई आपत्ति नहीं है फिर यहां पे द पेयर ऑफ सिजर्स कर दो आपकी जो इच्छा है करो लेकिन ग्रामर को समझ के करो चलिए थोड़ा सा और ऊपर लिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे नजर डालते हैं फोकस करते हैं He goes fishing. Goes fishing का मतलब है वह हमेशा फिशिंग में जाता है मछली पकड़ने जाता है एवरी डे एवरी डे यानी प्रत्येक दिन जाता है एंड ब्रिंग्स लेकर आता है भैया क्या लेके आता है अ लॉर्ड ऑफ फिशेज दैट इज वाइफ कुक्स फॉर हिम वो इतनी सारी फिशेज लेके आता है जो उसकी पत्नी जो है उसके लिए पकाए वाइफ सिंगुलर है कुक में आया है कोई आपत्ति नहीं है लॉट ऑफ हमेशा प्लूरल के लिए होता है इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है आपत्ति यहां है कि फिश का प्लूरल भी फिश है जैसे डियर का प्लूरल डियर है स्वाइन का प्लूरल स्वाइन है उसी प्रकार से फिश का प्लूरल भी फिश ही रहेगा फिश मत करिएगा इस बात पे विशेष ध्यान रखिएगा बाकी मुझे कोई आपत्ति नहीं है यह सेंटेंस बाकी ओके है है रेडी है यानी कि ही गोज फिशिंग एवरी डे एंड ब्रिंग्स अ लॉर्ड ऑफ फिश दैट हिज वाइफ कुक्स फॉर हिम आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सोलह पे आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर सोलह को समझाने और बताने से पहले कि बॉस मटीरियल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है वापस मेरी बात को रिपीट करिए मटीरियल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है एक बार और बोलिए मटीरियल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, है मटीरियल क्या हो गया दोस्तों वुड हो गया आयरन हो गया एल्यूमिनियम हो गया कॉपर हो गया ये सारे के सारे मटीरियल है ये मटीरियल है ये सिंगुलर है ये सारी बातें दिमाग में आपने डाल दी अब क्वेश्चन होता है मैंने यहां पर क्यों बोला ये दो शब्द हैं दोस्तों हमारे पास एक शब्द होता है बी आर आई सी ब्रिक और एक शब्द होता है दोस्तों एस टी ओ एन ई स्टोन मजे की बात यह है ब्रिक आर्टिफिशियल है यानी काउंटेबल के केस में आएगी स्टोन अन आर्टिफिशियल कह दीजिए नेचुरल कह दीजिए हमेशा अनकाउंट में आएगी पहली बात तो यहां क्लियर कर देना चाहता हूं है, है, कि रहे प्लूरल uh, ब्रिक्स हो होता है होता आया है और आगे भी होगा लेकिन स्टोन तो दोस्तों आपको ध्यान होगा माइनिंग से निकलता है खदान से निकलता है अनकाउंटेबल है मटीरियल नाउन के रूप में अगर दोनों का प्रयोग करें तो दोनों ही अनकाउंटेबल है मेरी बात को सुना आपने क्या कहा मैंने मैंने कहा मटेरियल नाउन के रूप में प्रयोग किया जाए तो दोनों ही अनकाउंटेबल है पैसे तो ये नेचुरल है और ये वो फॉर डिफरेंस मैंने बता दिया एक लाइन बहुत जरूरी है कि मटेरियल नाउन के रूप में कैसे द हाउस इज मेड ऑफ घर बना है किसका ईंट का पत्थर का मार्बल का कभी भी देखो स्टोन का स्टोन तो वैसे भी नहीं होता है मार्बल का मार्बल्स वैसे नहीं होता है ये वैसे ही मटीरियल है ये वैसे ही मटीरियल है सुनना ध्यान से ये मटीरियल है प्लूरल नहीं होगा मटीरियल है प्लूरल नहीं होगा ब्रिक का प्लूरल होता है मेरी कान बात को तो कान से नहीं खोल के ब्रिक का प्लूरल होता है लेकिन यहां नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक दे रखा है मेरा घर बना है मटेरियल नाउन है बॉस मटीरियल नाउन है यानी प्लूरल नहीं होगा यानी सारे के सारे एस हटा दिए हमने तो दोस्तों छोटी छोटी चीजें हैं बस आपके दिमाग में इंप्रिंट हो जाए उसके बाद तो कोई ऐसी ताकत कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपको रोकेगा आप बढ़ते चले जाएंगे हमारे साथ इस चैनल के साथ जिसका नाम है डिजिटल तैयारी चलिए दोस्तों मैं लिए चलता हूं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे अब पेयर ऑफ स्पेक्टेकल अभी कुछ देर पहले ही हमने कहा था कि भैया स्पेक्टेकल जो है वो सिंगुलर है स्पेक्टेकल्स जो है वो प्लूरल है स्पेक्टेकल्स ही सही है स्पेक्टेकल तो है ही नहीं इसको आप गॉगल्स कह सकते हैं ग्लासेस कह सकते हैं सन ग्लासेस कह सकते हैं स्पेक्टेकल्स कह सकते हैं इन किसी में से एस मत हटाना ये इनके साथ सदा रहेगा एक बात स्पेक्टेकल्स अगर आता है तो फिर हैव रहता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है लाइब्रेरी स्पेक्टेक बिले कोई दिक्कत नहीं है have been found चलेगा। लेकिन अगर मुझे आगे रखना है सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से अब पेयर ऑफ रखना है ऐसा ही एक ही यहां पे हैज हो जाएगा वीडियो की शुरुआत में ही मैंने सिजर्स के बारे में बताया था आपको जो यहीं पे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में आपको बताया था मैंने पेयर ऑफ आते ही हैज हो जाएगा और या फिर पेयर ऑफ हटा दो हैव हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो दोनों चीजें मैं बता चुका आपको समझना है आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पे दिस डेटा अब बताओ मुझे बचपन से पता है यार अपने को डेटा जो है वो है क्या प्लूरल बिल्कुल डेटा प्लूरल शब्द है डेटा का प्लूरल है डेटा का सिंगुलर है डेटम जी एच यूएम तो डेटा आमतौर पे जब भी आज यूज लेंगे आप प्लूरल के रूप में ही लेंगे मेरी बात को सुनिएगा डेटा शब्द का प्रयोग बहुवचन यानी प्लूरल के सेंस में ही आएगा यानी कभी भी आप दिस डेटा की डेटा की जगह पे दीज़ का प्रयोग करिए दीज डेटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन सही कंक्लूजन पे आए सही निष्कर्ष पे आए इसलिए यह डेटा जो है बहुत महत्वपूर्ण है डेटा इज ऑलवेज प्लुरल वर्ड ध्यान रखिएगा आप चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे आ गए हैं वट इज द क्राइटेरिया मुझे बताओ जरा अच्छे से समझाओ जरा कई सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे क्राइटेरिया हमेशा बहुवचन शब्द है इसका सिंगुलर वर्ड होता है क्राइटेरियन सिंगुलर वर्ड होता है क्राइटेरियन हमने यहां पे इस शब्द का प्रयोग किया है तो फिर यहां क्या आना चाहिए क्राइटेरियन मेरी बात को बहुत गौर से बहुत ध्यान से अच्छे समझिएगा वॉट इज द क्राइटेरियन ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होने का क्राइटेरियन क्या है क्या ये बात समझ आ गई आमतौर पे आपने ही बचपन से लेकर अभी तक क्राइटेरिया बोला होगा इंग्लिश वाले इसको अलाउ नहीं करते बॉस इंग्लिश वाले बोलते हैं क्राइटेरिया बहुवचन शब्द है क्राइटेरियन एक वचन शब्द है हमें यहाँ इसके अनुसार एक वचन शब्द यानी क्राइटेरियन लगाना था उस बात को देखते हुए यहाँ पे सही हो जाएगा चलिए आखिरी सेंटेंस पे आ जाते हैं आज का आखिरी सेंटेंस है अ फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सिस बताओ मुझे अभी ये तो आपने अच्छे से बचपन में ही बढ़ लिया था हमने भी अपनी थ्योरी में बता दिया था आपको भी अच्छे से याद आता फ्री के नंबर ले जाओ मेरे भाई ऑक्सन बैलों की जोड़ी तो बैलों को आगे लेके जा रहा था इस प्लॉंग। प्लॉंग का मतलब क्या होता है हल जोतते ना वो कह रहा है जोतने के लिए। अर्ली इन तो दोस्तों, जिस एनर्जी के साथ आप बने हैं उसी एनर्जी के साथ बने रहिए हमेशा हमारे साथ रहिए और इस बुक को टिल एंड कंटिन्यू करते रहिए हम आपके साथ रहेंगे बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछेगी कि सर इसे पूरा करवाएंगे क्या देह बिना किसी डाउट के डेफिनेटली पूरा होगा बस आपका स्नेह आपका प्यार हमेशा रहे दोस्तों जो लोग भी इसे शेयर नहीं करते हैं, तब मजा नहीं आता अपने मित्रों तक भेजिए इसे अपने ग्रुप्स में डालिए इन्हें बताइए कि इतनी शानदार किताब और उस पहले तो किताब भी बहुत शानदार उसका शानदार सोल्यूशन मैं लेके आया हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कोई चीज नहीं समझ में आती है कमेंट बॉक्स में हमें डालिए वी आर देयर टू हेल्प यू वी आर देयर टू सर्व यू बस इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे इसी चैनल के साथ जिसका नाम है डिजिटल तैयारी थैंक यू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी